सरकार से ही मांग करते हैं जी, उनको रिहा किया जाए, उनको जो पब्लिक की सेवा करने में समर्पित हैं तो उनको सेवा करने का मौका दिया जाए। सारे नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा पे सेंट डॉक्टर गुरमीत राम नीम सिंह जिंसा के लिए बात करते हैं सीधा जनता से। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? नमस्कार जी, रामकृष्ण नाम है। डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े सर आप? सन 1996 से। किस तरह का माहौल सर आपको वहाँ का लगता है? मुझे अच्छा माहौल लगता है जी, बहुत शांति प्रिय सारे काम होते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें, और हमें पूर्ण विश्वास है गुरु जी पे। सर फैमिली भी जाती है आपकी? हाँ, फैमिली सारी फैमिली नामदारी जी हमारी, मिसेज भी, लड़का भी, तीन लड़कियाँ भी सब। सर कभी बेटियों को लेके जाते हो, कभी आपको सेफ्टी का वहाँ पे डर नहीं लगता? नहीं, हमें कोई डर नहीं लगता, ना मेरी बेटियों ने कभी ऐसा महसूस किया, कभी कोई ऐसी बात नहीं। गुरुजी का नेचर व्यवहार किस तरह का है? नेचर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बड़े से शांति प्रिय, बड़े सहनशील बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सर फिर जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, जो कंट्रावर्सी चल रही है, क्या लगता है? हमें तो आरोप झूठे ही लगते हैं जी, और बाकी के मालिक जाने, मालिक का काम जाने जी। फिर जो गुरुजी ने देश के लिए, जनता के लिए कोई काम किए हैं सर? हाँ काम किए हैं जी, सारे देश के लिए, जनता के लिए काम करते हैं वो। किस तरह के काम किए? किस तरह, जैसे सफाई अभियान है, और जो है ये जो भी सेवाएं चला रखी हैं गुरु जी करवाते हैं, या खुद करते हैं काम सारे। क्या लगता है आज भी समाज को उनकी ज़रूरत है? देश को ज़रूरत है जी उनको, और हमारी भी नज़रों में होनी भी चाहिए कि काम सच्चे दिल से, सच्ची भावना से काम करते हैं तो ऐसे आदमी की ज़रूरत होती है, संतों की जरूरत है। बहुत धन्यवाद सर, ये है रियल फैक्ट डेरा सच्चा सौदा का सेंट डॉक्टर गुरमीत राम नीम सिंह जिंसा का। अभी भी हमारे साथ एक बुजुर्ग जुड़े जिन्होंने बताया क्या है रियलिटी। आज भी इनकी फैमिली डेरा सच्चा सौदा में जाती है, बेटियां भी जाती हैं डेरा सच्चा सौदा में। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, इतनी जनता लगातार सामने आकर बोल रही है, इनकी भी बहन बेटियाँ डेरा सच्चा सौदा में जाती हैं, ये भी खुले तरीके से आज भी बोल रहे हैं, और पर आपको सूत्रों के हवाले से लगातार हेडलाइंस बनाकर क्या दिखाया गया? खुले दिमाग से जरूर सोचिए और अपनी राय जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।